सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करें कि माँ के परम पवित्र पावन नवरात्रे, इस नवरात्र की आप सभी को बहुत बहुत मंगल बधाइयाँ हों। माँ भगवती आपके क्लेश दुख शोक रोग सब का हरण करें और आपको सदैव आनंद और मंगल प्रदान करें। माँ भगवती का जो तीसरा स्वरूप है, यह स्वरूप है माँ का चंद्रघंटा। माता दुर्गा के तीसरे स्वरूप को जो चंद्रघंटा के नाम से हम सभी लोग जानते हैं, नवरात्रे के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ की 10 भुजाएं हैं और 10 भुजाओं में खड्ग बाण इत्यादि धारण किए हुए हैं। गले में सफ़ेद पुष्पों की, श्वेत पुष्पों की सुंदर माला को भगवती ने धारण कर रखा है। माँ के मस्तक पर आधे चंद्रमा के आकार का, एक घंटे के आकार का चंद्र बना हुआ है और इनकी साधना से साधक को शुभता का लाभ प्राप्त होता है। सांसारिक कष्टों को दूर करने के लिए, सांसारिक सुखों को प्राप्त करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए, आयु आरोग्य ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए माँ भगवती आदि शक्ति भगवती चंद्रघंटा की पूजा और अर्चना की जाती है। माँ के स्वरूप को एक चौकी पे स्थापित करके, गंगा जल से शुद्ध करके, माँ के सामने एक नारियल रखें, सभी देवताओं का आवाहन करें, पूजन करें। पूजा में वस्त्र, सुहाग पिटारी, चंदन, रोली, अक्षत, हल्दी, सिंदूर, दूर्वा, धूप दीप, नैवेद्य, फल, पान सुपारी, दक्षिणा इत्यादि अर्पित करते हुए माँ को भोग लगाएं और इस मंत्र का 108 बार जप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। इस मंत्र का 108 बार आपको जप करना है माँ के सामने बैठ करके। और भोग प्रसाद में कहते हैं कि दूध से या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं, जैसे खीर है या दूध की बनी हुई बर्फी, उसका भी भोग लगा सकते हैं आप। ऐसा करने से माँ प्रसन्न होकर के भक्तों के दुखों को दूर करती है। फिर इसके बाद में सफ़ेद पुष्प हाथों में ले लीजिएगा और माँ के सामने जिस तरह से एक छोटा सा बालक अपनी माँ के आंचल को पकड़ता है, कहता है माँ मुझे ये वस्तु लेनी है, तो माँ विवश हो जाती है, दिलाती है। उसी तरह से जो भी इच्छा आपके मन में हो, माँ के सामने रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए एक ही बात कहनी, प्रार्थना करनी है, माँ अर्ध चंद्र घंटा रूप स्वामिनी, कुंदन रूप स्वर्ण रंग धारिणी, दसम हस्त अस्त्र शस्त्र स्वरूप सुशोभिणी, तृतीय रूपम चंद्र घंटेति नमो नमः। हे माँ, आधे चंद्रमा के आकार का आपके ऊपर घंटा जैसा चंद्रमा है, रूप यशस्वनी है, कुंदन रूप है, स्वर्ण रंग धारणी हो आप, दसों हाथों में आपने शस्त्रों को धारण कर रखा है और तृतीय रूप चंद्र घंटे ती नमो नमा। हे माँ, आपका जो ये तीसरा स्वरूप है, जो चंद्र घंटा का स्वरूप है, माँ मैं आपको प्रणाम करता हूँ, ऐसे कह के माँ को पुष्पांजलि अर्पित करिएगा। पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।